हूं आज मैंने कल दी साधना और परमेश्वर गुरु की साधना के साथ कहा कि जो भी आप दसवां विद्याएं की साधना या अक्षर गंधर्व की कक्षाओं की साधना करेंगे उसमें आपको सिद्धि मिलेगी, ये बात मैंने कहा। और भी बात मैंने आगे कही, स्वर्ण का कई भी साधना गया हूँ, आपके घर में धन धान्य है और स्वर्ण सब कुछ आएगा, अच्छा वो भी मैंने कहा, ये भी मैं मानता हूँ आएगा, लेकिन मैं उसके आगे की बात बता रहा हूँ। स्वर्ण आएगा, सिद्धियां मिलेगी, इसकी क्या गारंटी है कि आप सिद्धि की दुरुपयोग नहीं करेंगे और आपके धन का दुरुपयोग नहीं होगा और आपके बच्चे बाप को ही मानने के लिए तैयार हुए, इतना बाप को कमा के रखा है साला, हमारे को धन दे तो घर के बाहर करके बाहर निकल, तो ऐसी स्थिति आने के बाद आप उस धन का क्या करोगे? उस दिन भरे मुझे कोसोगे कि गुरु जी सिद्धि कई को दिए, पैसे कई को दिए, देखो दोनों बेटे झगड़ रहे हैं, हमें मारने के लिए आ रहे हैं, हमें घर के बाहर निकाल दें, फिर इस दुरुपयोग को किस तरह सदुपयोग में बदले, इस धन का सही उपयोग कैसा हो, इसके लिए हमें क्या करना चाहिए। और जब तक हम इस ज्ञान का सदुपयोग नहीं करते और इस ज्ञान के बारे में आलोचना नहीं करते, तब तक हमें गुरु कृपा की प्राप्ति होना या गुरु कृपा से हम लिए हुए उस चीज को करना, आपको पता है परम गुरु सद्गुरुदेव जी ने बहुत कहने पर उसको कहा तुझे ये सिद्धि मैं नहीं दूंगा, लेकिन उसने जिद की गुरु जी मुझे सिद्धि प्रदान कर, उसको कर्ण पिशाच ने सिद्धि प्रदान की गई। तो कर्ण पिशाच ने सिद्धि जैसे ही मिली वो मुंबई में गया, बहुत बड़ा खोल लिया ज्योतिष कर्ण, आपके सारे प्रश्नों का जवाब दिया जाएगा, भीड़ लग गई उसके पास, इतनी भीड़ कि रोज आने लगे, लाख हजार कुछ भी कमाए और कमाता था, मिनिस्टर्स भी उसके पास आने लगे, उसके प्रश्नों का उत्तर भी निकलने लगा। बाद में गुरु जी को पता चला कि वो बहुत पैसा कमा रहा है उसके ऊपर और उसका दुरुपयोग कर रहा है, अब उसके पास औरतें आने लगी, वो नृत्य देखने के लिए जाने लगा, वो लंदन जाने लगा, पीने लगा, ये सारी आदतें शुरू हो गई। उसने उसके प्रथम बीवी को छोड़ दिया, दूसरी बीवी को ला लिया, इस प्रकार उसके कार्य अब गुरु की आज्ञा से जो सिद्धि मिली थी उसका दुरुपयोग हो रहा है। तो गुरु जी ने उसको समझाने की कोशिश की और कहा कि मैं मुंबई जाकर, कम से कम वो तो मेरे पास नहीं आता, मैं आता हूँ मुंबई गए, तो उन्होंने कहा कि तेरे गुरु गाँव में आए हैं, मुंबई में आए हुए हैं, ऐसी बात है, उसको आने ही बोला, आए हैं ये बात बता दी। तो पहली बार उसने तुलसी लेकर चढ़ा, शस्त्र प्राचन करना था, वो तुलसी चढ़ाने लगा,
चोर राजा वहीं देखने लगा कि ब्राह्मण आया और जैसे ही तुलसी उसने चढ़ाई तो उसके रत्न आदि उसके ऊपर भगवान पर डाले हुए सब छुप गए, उसके ऊपर तुलसी ही दिखने लगी। तो उसने ब्राह्मण को बुलाया, तू अपने आप को समझता क्या है, मैं इतने भगवान को इतने रत्न डाले हैं तो उसके ऊपर तुलसी आकर चढ़ाकर मेरे सारे रत्नों को नहीं देखने, या भगवान के जिस कला को मैं देखना चाहता था देना चाहता था उसको देखने के लिए नहीं रखा, तू क्या मूर्ख है, तुझे ज्ञान नहीं है, वहां रत्न डाले हैं, भगवान को रत्नों के साथ पूजा किया हूं और धन के साथ पूजा किया हूं, तुझे उतना ज्ञान नहीं है। ब्राह्मण ने हाथ जोड़कर कहा, मेरे गुरु ने मुझे कहा है कि भगवान को अशेषाई भगवान को मैं आज से नहीं एक वर्ष से कार्तिक मास से कार्तिक मास तक रोज 1000 तुलसी चढ़ाकर जाता हूँ और उस नियम के अनुसार मैंने तुलसी चढ़ाई है। मैं इसलिए नहीं चढ़ाया हूँ कि आपके सोने चांदी जो चढ़ाए हैं वो छुप जाए, मेरा तो कर्तव्य ये था कि मैं तुलसी को चढ़ाऊं और चला जाऊं। आपको गलत लगता है तो आप मेरे तुलसी को निकाल।